The missing shape in the given clock is A. Circle, B. Triangle, C. Square, D. Rectangle. इस क्लॉक में कौन सा ऐसा शेप है जो यहाँ पर मिसिंग है? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये है आपका सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरह ये सीक्वेंस में जा रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेक्टेंगल। Hi guys, I am Nitu Nigam. Welcome to my channel My Pathshala by Nitu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF ओलंपियाड से क्लास फर्स्ट के साइंस चैप्टर्स, साइंस ओलंपियाड के डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सिलेबस एंड सैम्पल पेपर रहेंगे। साथ ही इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये एग्जाम की डेट कब है, यह ओलंपियाड में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस ओलंपियाड में भाग ले सकते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, लैंग्वेज क्या रहेंगे एग्ज़ाम के और टाइमिंग क्या रहेगी। तो चलिए एक एक सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF का फुल फॉर्म है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा करीब 25 ईयर से ओलंपियाड एग्जाम करवाए जाते हैं। एलिजिबिलिटी है क्लास फर्स्ट से 12 तक के कोई भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वह बच्चा किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से बच्चा हो वह इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। एग्जाम का लेवल इंटरमीडिएट होता है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा करवाई जाती है, अर्थात कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो है इंडिविजुअल इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकता है, इंडिविजुअल या ऑनलाइन इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यह एग्ज़ाम स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही करवाई जाती है। एग्ज़ाम डेट, 3 डेट यहाँ पर दिए गए हैं, 18 अक्टूबर 2024, 12 नवंबर 2024 एंड 3 दिसंबर 2024। इस तीनों डेट में से आपके स्कूल में जो एक डेट चूज किया जाता है साइंस ओलंपियाड के लिए, उसी एक डेट पे उस स्कूल के बच्चों को एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहती है, ऑनलाइन यह एग्जाम नहीं होती है और एग्जाम स्कूल आवर्स में स्कूल में बैठकर बच्चों से करवाई जाती है। फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन 125 रुपीज है और यह एग्जाम साल में एक बार कराई जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और ड्यूरेशन 1 आवर्स रहेगा। चलिए अब इसके हम सिलेबस और सैंपल पेपर देखते हैं कि क्लास फर्स्ट के लिए, साइंस के लिए किस प्रकार के सिलेबस एंड सैंपल पेपर हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यह सिलेबस 2024-25 के लिए क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस ओलंपियाड। टोटल 35 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। कितना रहता है? टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम किस प्रकार से होती है जानेंगे। क्वेश्चन पेपर 3 भागों में बटा होता है, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन, 3 सेक्शन में बटा रहता है। पहला लॉजिकल रीजनिंग जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। नेक्स्ट साइंस सिलेबस हमारा रहता है जिससे 25 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। एंड नेक्स्ट हो जाता है अचीवर सेक्शन जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए आइए अब इसके हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो है हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, 3 सेक्शन है हमारा। जैसा कि आपने भी देखा, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर, इन तीनों सेक्शन में कैसे सिलेबस रहते हैं, सिलेबस में क्या क्या रहता है, चलिए इसको हम देखते हैं। सेक्शन 1 में हो जाता है पैटर्न और 1 आउट, मेजरिंग यूनिट, ज्योमेट्रिकल शेप, स्पेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड फिगर। नेक्स्ट सेक्शन 2, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड देयर नीड्स, गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई। एंड सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। सेक्शन 2 का जो सिलेबस है उसी से सेक्शन 3 अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहते हैं, ये थोड़ा घुमाकर ट्रिकी क्वेश्चंस इस सेक्शन में बच्चों से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से देखेंगे। 1 द मिसिंग शेप इन द गिवन क्लॉक इज, इस क्लॉक में कौन सा शेप मिसिंग है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए सर्कल, बी ट्रायंगल, सी स्क्वायर एंड डी रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए सर्कल, रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, फिर है सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर, सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर, इस तरह ये सीक्वेंस बन रहा है सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन रेक्टेंगल शेप यहाँ पर नहीं है, तो ये शेप इज मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 इज रिलेटेड टू डैश देन 4 इज रिलेटेड टू। 5 इससे रिलेटेड है, यहाँ पे देख लेते हैं 5 के अंदर कितने सर्कल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 अंक ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 में 1 प्लस करके 6 अंक यहाँ पे हो रहे हैं। तो 4 में भी हमारा क्या होना चाहिए, एक अंक जोड़कर, मतलब 5 यहाँ पर होना चाहिए। चलिए इसको हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है इसके अंदर। इसके ऑप्शंस ए में है 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी। यहाँ 5 में 1 ज़्यादा है 6, इसी प्रकार 4 में 1 ज़्यादा हो जाएगा 5, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संचित वेकअप इन द डैश गो टू स्कूल। संचित स्कूल जाने के लिए कब उठती है, ए मॉर्निंग, बी नाइट, सी आफ्टरनून, डी इवनिंग। सो करेक्ट आंसर इज संचित वेकअप इन द मॉर्निंग गो टू स्कूल। सुबह उठते स्कूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साइंस से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस सेक्शन से। चलिए साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। पहला है नंबर 4, लुक एट द पिक्चर and complete the following sentences. Always cross the road at dash crossing. रोड पर हमें किस प्रकार क्रॉस करना चाहिए, ए हॉर्स, बी जेब्रा, सी फुटपाथ या डी ट्रैफिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेब्रा। ऑलवेज क्रॉस एट द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये हमारा जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, तो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। नंबर 5, ट्री यहाँ पर दिख रहा है आपको, सनफ्लावर है गमले में, इट इज द लिविंग थिंग्स बिकॉज, इसके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। चलिए ए इट्स ग्रो, बी इट कैन मेक मोर ऑफ इट्स काइंड, सी इट ब्रीथ, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, ये सभी ऑप्शंस इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए कैट लिव्स इन वाटर, रॉन्ग, बी पेंगुइन कैन फ्लाई, सी कॉकरोच हैज 6 लेग्स, डी द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉकरोच हैज 6 लेग्स। नंबर 7, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू सी अ फ्लावर। बॉडी के हम किस पार्ट से फ्लावर्स को देखते हैं, ए आई, बी नोज, सी ईयर, डी टंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए आई। आई के द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। समर डे आर डैश, वाइल विंटर डे आर डैश, और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन डैश, मॉनसून डे आर। इसमें से ये चारों में एक हमें भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा समर डे आर हॉट, समर डे आर हॉट, वाइल विंटर डे आर कोल्ड, एंड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन अ वाइंडी, यहाँ पे हो जाएगा वाइंडी डे, एंड मॉनसून डे आर रेनी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के आपके साथ मैथ, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश की वीडियो शेयर की है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन से हम देखते हैं, जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स आर क्रीपर्स। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो क्रीपर्स हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 and 5। दिस इज क्रीपर्स। Number 10. Richa did an activity as shown here. She observed bubbles coming out of the glass. What does this activity show? यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी शो हो रही है? चलिए रीड करते हैं। A. The empty glass is filled with air. B. Water display air in the glass. C. Air comes out of the water in the form of bubbles. And D. All of these. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।